सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल टू रिचार्ज। दोस्तों, मैं हूं अनिल और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आया हूं कि बड़ी ही प्यारी जगह पे, बहुत ही सुंदर जगह है और उसका नाम है सुंदर नर्सरी। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो पूरा देखेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक और शेयर तो बनता ही आपको करना ही है। सो इस नर्सरी, सुंदर नर्सरी में क्या क्या देखने लायक है और यहाँ किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, मैं फुल डिटेल आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, ये टिकट काउंटर है और यहाँ पे अलग जो टिकट है वो लगभग है 40 रुपये की भारतीय पर्यटक, और विदेशी चलाने के लिए 200 रुपये है। तो दोस्तों, ये है सुंदर नर्सरी और ये आप बोर्ड देख रहे हैं जिसपे इसका पूरा मैप है, नक्शा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग घूम सकते हैं यहाँ पर। जस्ट मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे इवेंट्स होते हैं और जैसे आप सुंदर नर्सरी में एंटर करेंगे आपको ये जगह दिखाई देगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक ख़ास चीज़ मैं बताऊँगा कि यहाँ पे आप अपने पेट्स ला सकते हैं, बस एक कंडीशन ये है कि उन पेट्स के गले में पट्टा होना चाहिए, तभी आप उनको अंदर ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एरिया देख रहे हो वो ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पे कपल बैठे हुए हैं, तो अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो आप यहाँ ना जाएं। दोस्तों, ये देखिए कलाकारी लोगों की, यहाँ पे अपने नाम लिखे हुए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। सो दोस्तों, ऐसा ना करें, जो ऐतिहासिक धरोहर को ख़राब ना करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। सो दोस्तों, ये है लक्कड़ वाला ब्रिज जो कि बंद पड़ा हुआ है, और इसके जो इसमें आप देख रहे हैं जो नक्काशी कलाकारी और इसमें जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है।
सो दोस्तों यहाँ पे एक कुआँ है, बहुत प्राचीन है। हालांकि इसे बंद कर दिया गया है और इसका इस्तेमाल जो यहाँ पार्क में पानी की सप्लाई उसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप सुंदर नर्सरी आते हैं तो आप इसके मज़े भी ले सकते हैं। ये यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, तो आए और यहाँ पे अपने बच्चों को याद ताज़ा करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं सुंदर नर्सरी के बारे में। इसे आज़िम बाग या बाग आज़िम बाग कहा जाता है और ये लगभग 16वीं शताब्दी का है और ये वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर भी इसे प्रिजर्व रखा गया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा है और ये जस्ट हुमायूँटम के जस्ट साथ में ही है और इस ये लगभग 90 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, काफ़ी बड़े एरिया में है। और इसकी खास बता दूँ कि ये 2007 में इसे दोबारा रीनोवेट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया और जो कि 2018 में इसे जनता के लिए ओपन कर दिया गया। और अगर आप आपके पास कभी समय हो तो आप ज़रूर इसको विज़िट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पार्किंग जब बात करते हैं तो यहाँ पे दो पार्किंग है सुंदर नर्सरी के, एक सुंदर नर्सरी के बाहर जो कि थोड़ी सस्ती है और एक ये पार्किंग है जो कि सुंदर नर्सरी के अंदर ही है और इसका चार्ज लगभग 100 रुपये हैं पर कार का पूरे दिन के लिए। बाइक का थोड़ा सस्ता है। सो दोस्तों आप अपनी गाड़ी अंदर भी ला सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप चलते चलते थक जाएं और आपको भूख लगे तो ये कैफेटेरिया है जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो बेटर है कि अपने साथ खाना या पीना पानी घर से लेके आएं। सो दोस्तों ये कुछ रेट लिस्ट है यहाँ के कैंटीन की, ये एक पास कैंटीन है इसके अंदर। सो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा यहाँ खाने के लिए। सो दोस्तों हम कहाँ जा रहे हैं हमें खुद पता नहीं है, पर जा रहे हैं कहीं पर। काफ़ी घना जंगल है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी झील है, मैं क्या देख रहा हूँ। दोस्तों सुंदर नर्सरी में करीब 300 प्रकार के प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनमें बहुत से जो पेड़ पौधे हैं वो दिल्ली के अन्य भागों में नहीं मिलते। सो इस प्लेस को आप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, ज़रूर विजिट करिएगा। दोस्तों अगर आप जंगल के मज़े लेना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। और हम पहुँच गए एक मॉन्यूमेंट की तरफ। ओहो सामने एक मॉन्यूमेंट है। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा द्वार टाइप है, कुछ ऐसा लगता है कभी यहाँ पे कुछ ये जो दरवाज़ा होगा किसी मुख्य किले के अंदर जाने का शायद हो सकता है।
दोस्तों 2018 में टाइम मैगजीन ने टॉप 100 प्लेसेस टू विजिट की एक लिस्ट निकाली और जिसमें वर्ल्ड में दो केवल पार्क थे और जिसमें सुंदर नर्सरी का भी नाम है। दोस्तों ये पार्क वाकई में बहुत खूबसूरत है, तो एक बार तो आप ज़रूर आइए इस प्लेस को। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा सभी से कि एक बार इस प्लेस को ज़रूर विजिट करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देसी के साथ विदेशी सैलानी भी आते हैं। और सर दोस्तों ये पार्क बहुत ही बड़ा है और कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पूरा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी चीज़ दिखा पाऊँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यार आप लोग करते नहीं हो यार, ये बड़ा गलत बात है। तो दोस्तों ये है सुंदर वाला महल और मैं इसको आपको अंदर दिखाता हूँ, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ ये गेट है। सर दोस्तों ये काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर और आई होप आपको सही से दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक अंदर कोई सुरंग टाइप है या कह सकते हैं कि ये बेसमेंट तरफ अंदर रास्ता जाता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हालांकि। बाकी हर जगह ऐसी है तो मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे और पहले कैसे थे और अब कैसे दिखते हैं, और ये पहले ऐसे था और अब ऐसे दिखता है। और इसकी देख लीजिए, पहले ये कुछ यहाँ झोपड़ियाँ भी थी, इन्हें हटाया गया है और ये वैसा दिखता है। दोस्तों मेरे पीछे जो आप मकबरा देख रहे हैं ये अकबर के दामाद का मकबरा है और मकबरे के जस्ट चारों तरफ 8 कमरे हैं, अब बीच में मकबरा है और फिलहाल अंदर ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है। तो दोस्तों ये बड़ी अजीब सी जगह है, कोई है नहीं यहाँ पर फिलहाल हमारे अलावा, यहाँ कोई आता भी नहीं है साइड। सो अगर आप आएँ तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा जगह। तो दोस्तों ये पार्क बहुत ही बड़ा, बहुत खूबसूरत है और मैंने कोशिश करी है पार्क को पूरा कवर करने की, अगर कुछ पार्ट रह गया तो आई एम सो सॉरी। तो दोस्तों अब बात करते हैं पार्क कहाँ पर है। तो दोस्तों ये पार्क है निज़ामुद्दीन में और ये हुमायूं टॉम के जस्ट बगल में ही है। एंट्री फीस यहाँ 40 रुपये की है और पार्किंग यहाँ 2 है, एक पार्किंग इसके पार्क के बाहर है और एक पार्किंग अंदर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पार्किंग जो है अपनी अंदर लगाएं गाड़ी को, ताकि गाड़ी सेफ रहेगी, हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली है। और यहाँ कैंटीन फैसिलिटीज़ के बाद कहें जाए तो बहुत ज़्यादा महंगी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप घर से खाना वाना लेके आएँ। और ये जो पार्क है जो सुंदर नर्सरी है 7 दिन खुली रहती है, टाइमिंग 7:30 से 6:30 बजे तक, आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।